फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के ग्राम लखनपुर निवासी राजू उम्र 40 वर्षीय पुत्र गंगाचरण जाटव का शव आम के बाग में फांसी के फंदे पर लटका मिला। वहीं मृतक की पत्नी कल्पना देवी ने बताया कि गांव के ही अमित कुमार को हमारे पति राजू ने ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए 2500 रुपए दिए थे। लाइसेंस न बनने पर अमित ने राजू के साथ मारपीट की। मृतक की पत्नी ने अमित पर अपने पति को मार डालने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर से मृतक की पत्नी कल्पना देवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 4 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना देवी। पति का नाम? राजू। कहाँ के रहने वाली हो? ग्राम लखनपुर के रहने वाले। क्या मामला हुआ? अमित के साथ लड़ाई हुई थी लाइसेंस बनवाने के चक्कर में। किसकी लड़ाई हुई थी? राजू और मेरे हस्बैंड का नाम है राजू और अमित को मेरे आदमी ने पैसे दिया था लाइसेंस बनवाने के। किसे दिए थे पैसे? अमित को। अमित कौन है? अमित मेरे गांव के रहने वाले हैं। कब दिए थे पैसे? 1 महीने हो गए। कितने रुपए? 2500 रुपए दिए थे। तो पहले 4,500 मांगे तो उन्होंने कह दी कि भैया अभी बाद में रुपया देना, 2500 रुपया अभी मांग रहेंगे, तो उन्हें 2500 रुपया दिया आए थे। फिर उन्होंने कह दी भैया जब दिल्ली जाओगे तो हमें बता देना कि हम जा रहेंगे, फिर हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे, तभी चले आना। तो मेरे हस्बैंड कल जा रहे थे शाम को, तो उन्होंने कह दी लला हम जा रहेंगे तो बताओ कागज कब मिलेंगे। उन्होंने कह दी बहुत सड़ी वाले, मैंने तुमसे मना करा कि मेरे पास बार बार मत करना, तुमने मेरी नाक कटा के धर दे। इनसे कह रहे उनसे कह रहे हैं कि कागज अभी बना के नहीं दिया कि मैं तुम्हारा कागज कैंसिल करवा दूंगा, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे और ना तुम्हें कागज मिलेंगे, तुम्हारा लाश मिलेंगे बस। मेरा लाश, मेरे हस्बैंड का लाश बाग में लटके मिले हमें सवेर। तुम्हें क्या शंका है? मेरे शंका कि अमित ने मेरे आदमी को मार डाल हत्या कर दी। हाँ जी। आज सुबह लगभग 5:25 पर थाना कोतवाली कैमगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि राजू जाटो पुत्र गंगाचरण निवासी लखनपुर थाना कोतवाली कैमगंज का शव एक आम की बाग में पेड़ पर लटका हुआ है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कैमगंज, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैमगंज और चौकी प्रभारी मंडी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतक का शव आम के पेड़ से उतरवाया गया। प्रथम दृष्टया पाया गया कि मृतक के जिस पर गले में लिगनेचर मार के अतिरिक्त और कोई जाहिर चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है, घटना की जाँच की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।